वेलकम गाइज। सो आज इस ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे था एंड होप आज भी आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे, क्योंकि सेटअप के अकॉर्डिंग फिर से मार्केट ने बहुत अच्छे से वर्क किया, लेवल्स ने भी परफेक्टली वर्क किया एंड हमारे मैजिकल इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ने भी परफेक्टली वर्क किया। एंड ये वीडियो वीकेंड स्पेशल है, तो आपको पता है वीकेंड्स पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सेपरेट एनालिसिस करते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले, चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ हम आपको डेली एक परफेक्ट सेटअप देते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, जहाँ हम आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं एंड कैसे आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ट्रेड्स बना सकते हैं। इस वीडियो में भी सेम डिस्कस करेंगे कि मंडे एग्जैक्टली आपका क्या सेटअप होने वाला है, मंडे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं। एंड इसके साथ साथ, क्योंकि वीकेंड स्पेशल वीडियो है, पोजिशनली बात भी करेंगे कि पोजिशनली मार्केट में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लास्ट वीक कैसा था, नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्टेड है, चार्ट्स पे तो बात करेंगे ही, इसके साथ साथ डिटेल में ऑप्शन चेन को भी स्टडी करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डेली परफेक्ट एनालिसिस देते हैं एंड उसका रिव्यू भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप वैसे तो काफ़ी प्यार दिखाते हैं, होप आप इस वीडियो को भी ऐसा ही प्यार दिखाएंगे, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ मार्केट में और हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। आप देखिए मार्केट में मॉर्निंग में क्या हो रहा है, मार्केट में स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग। फर्स्ट कैंडल ही एक शार्प कैंडल बनती है, गैप अप ओपनिंग के बाद एक डिप आता है, लेकिन डिप के बाद फिर क्या होता है मार्केट में, आप देखो उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट। मार्केट काइंड ऑफ मॉर्निंग में एक रेंज में स्टक थी। यहाँ पे लेवल क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 18,250 यहाँ पे हमारा लेवल है और लोअर साइड सपोर्ट लेवल था 18,200, ठीक है, 18,250 के आसपास ही ओपनिंग हुई, वहां से डिप आया, फिर बाउंसेस आ रहे हैं मार्केट में, डिप्स आए और यहां देखो शार्प कैंडल्स बन रही है मॉर्निंग में। लेकिन शार्प कैंडल देखो, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल की रेंज है वो कभी भी मॉर्निंग में ब्रेक नहीं हुई। ये भी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस स्ट्रैटेजी पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं इस बार, ताकि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी को कैसे यूज किया जाता है, टारगेट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं स्ट्रैटेजी में, स्टॉप लॉस कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ उस वीडियो में मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कवर करूं। अब देखिए वही हो रहा है जो हमने आपको सिंपली बताया है कि जो फर्स्ट कैंडल से एक रेंज बनती है एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स अगर हम इस रेंज को ब्रेक नहीं करते, तो आपको सिंपली क्या वेट करना है कि ये रेंज ब्रेक हो, जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगी ना उस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड रहेगा और उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखो फाइनली यहां पे ये रेंज ब्रेक होती है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है और अब आपको ट्रेंड पता है। अब मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, अब बाउंसेस भी आएंगे तो वो सेल होंगे। इनफैक्ट डिप आया पहली बार ब्रेकडाउन के बाद, उसके बाद जब बाउंस भी आता है ना, ये बाउंस भी एक परफेक्ट ट्रेड था। ये जो पॉइंट है ना, ये है एग्जैक्टली हमारे सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस। एक बार मार्क करो, पूरे साल मैंने आपको बताया कि सुपर ट्रेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं, सुपर ट्रेंड एक सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं, एक सिंपलेस्ट इंडिकेटर है और मैजिकली वर्क करता है मार्केट में। बाउंस आता है मार्केट में, लेकिन बाउंस आता है आपको एंट्री देने, एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड तक आए और वहां से क्लियर कट आप देख सकते हो मार्केट में फॉल आता है। और डे एंड में तो एक सडन फॉल आया था, जो 3 PM की आजकल कैंडल बनती है, एक सडन कैंडल बनी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल हमने उस सिंगल कैंडल से देखा है। ओवरऑल ट्रेंड भी ऑलरेडी मार्केट आपको बता रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो क्या हो रहा है, मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, इसके साथ साथ लोअर लोज भी बन रहे हैं। यहां पे देखो ये लो बना है, ये देखो ये लो बना है, लोअर लोज यहां पे, फिर ये लो बना है डे एंड का लो, तो लोअर लोज भी बन रहे हैं एंड लोअर हाइज भी बन रहे हैं। तो सिंपली मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, या आप इस स्ट्रक्चर से भी जान सकते थे, जो हमारी फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और आपको एक परफेक्ट एंट्री भी दी सुपर ट्रेंड ने, एग्जैक्टली हम रेजिस्टेंस तक आए और वहां से सिंपली हमें फॉल देखने को मिला। अब ट्रेंड पता लगने के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि एंट्री कहां करें। ट्रेंड पता लग गया, एंट्री देखो 18,250 ने मैजिकली वर्क किया है, यहां जब
18200 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, यहां से बाउंसेस आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि यहां देखो ब्रेकडाउन लेकिन कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं, यहां भी ब्रेकडाउन लेकिन कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं, फाइनली यहां ब्रेकडाउन मिला और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। अब पता लग गया कि 18200 ब्रेक हो चुका है। अब ब्रेक होने के बाद ये लेवल क्या वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस का, एग्जैक्टली वही हो रहा है। परफेक्टली मार्केट यहां तक आई, वहां से फिर फॉल ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक 18160, यहां पे हमारा टारगेट था, फिर बाउंस आता है। ये डे एंड में जो सडन फॉल आया है रैंडमली कहीं से नहीं आ गया है, एग्जैक्टली हमारे लेवल से आया है 18200 से। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में थे ना तो आपने ये मैजिकल फॉल भी कैच किया होगा, क्योंकि आपको पुट्स में एंट्री करनी थी, ये सिंपली पता लग चुका था। जो भी मल्टीपल चीजें हैं हर चीज यही बता रही थी कि मार्केट में पुट्स में एंट्री करनी है, ट्रेंड डाउन है और फॉल आएगा, और आप देखो वही हुआ है एग्जैक्टली। और डे एंड में हमने 18100 भी टेस्ट कर लिया, तो परफेक्ट फॉल 18100 के आसपास ही हमारी क्लोजिंग आई है। आज की मार्केट तो हो चुकी है। अब ये ईयर बहुत अच्छा रहा हमारा, सेटअप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जिन लोगों ने भी फॉलो किया मैजिकल रिटर्न्स बने हैं। अब नेक्स्ट ईयर का पहला ट्रेडिंग डे हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, मंडे के लिए एग्जैक्टली क्या सेटअप होने वाला है, क्या लेवल्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं, वो बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर एंड पोजिशनली चार्ट पे क्या दिख रहा है। इंट्राडे गजब की मार्केट थी, लेकिन पहले पोजिशनल सेटअप देखते हैं फिर आएंगे इंट्राडे मंडे के सेटअप पे। तो ये देखो ये है हमारा निफ्टी का पोजिशनल चार्ट। एनालिसिस शुरू करने से पहले स्पेशल अनाउंसमेंट, आप लोगों में से काफी लोगों ने डिमांड की थी कि जो हम क्रिसमस पे आपके लिए ऑफर लाए थे कोर्स के ऊपर, वो ऑफर हम न्यू ईयर पे भी एक्सटेंड कर दे। तो अगर आप सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, रियल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड्स आइडेंटिफाई करता है, कैसे ट्रेड्स बनाता है, वो सब कुछ इस कोर्स में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। एंड इस कोर्स का नाम है कंप्लीट ट्रेडर प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें वो हमने सब कुछ सिखाया है जो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। अभी छोटी सी झलक बताई मैंने अभी आपको कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें मॉर्निंग से दिख रहा था डाउन ट्रेंड है, लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स बनाने में हेल्प करती हैं, वो सारी चीजें हमने इस कोर्स में कवर किया है। ये जो हम लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड लाइंस आपको टाइम टू टाइम बताते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होती हैं, बहुत सारे एग्जांपल से बताई हुई है ताकि आप इजिली बहुत जल्दी लर्न कर सके एंड सेल्फ मार्केट को एनालाइज कर सके। इसके अलावा स्पेशल स्ट्रैटेजीज हैं स्कैल्पिंग के ऊपर, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सबके लिए डेडिकेटेड स्पेशल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको इस कोर्स में मिलेंगी। एंड इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये सब कुछ तो आपको पता होना ही चाहिए ट्रेड्स बनाने के लिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बड़े प्रॉफिट्स कैच कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे, कैसे आपको बड़े लॉसेस से बचना है, सब कुछ इस कोर्स में बहुत डिटेल में कवर किया है। तो सच में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक बहुत नॉमिनल फी में आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। एंड लॉसेस करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप पहले लर्न करो, आप इससे कहीं ज़्यादा लॉस कर दोगे अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे मार्केट में। करेंटली 35% का डिस्काउंट हम फिर से आपको दे रहे हैं न्यू ईयर के ऑफर में कोर्सेज, हमारे सारे कोर्सेज पे 3 कोर्सेज है, तीनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। अब कुछ आपको सिखाया हुआ है जो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट से। तो इस कोर्स में एनरोल जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। एंड ये हमारी ऑप्शंस गाइड ऐप के थ्रू आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला है अगर आप सीरियसली इससे लर्न करते हैं एंड इसकी लर्निंग्स को मार्केट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत दिल से हमने ये कोर्स बनाया ताकि आप सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सको एंड इस मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सको। तो इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। न्यू ईयर के लिए स्पेशल ऑफर है एंड अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करें ताकि आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो सके। चलिए अब एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। आप लोगों के डिमांड पे हमने ये स्पेशल ऑफर एक्सटेंड कर दिया न्यू ईयर के लिए। देखिए लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ, हमने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में 18,000। याद होगा आपको कि मार्केट में जो वीकनेस दिख रही है, बहुत मेजर फॉल आ रहा था, 17,800 के आसपास क्लोजिंग आई थी लास्ट वीक, हमने आपको कहा था 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगर 18,000 के बिलो ही रही ना मार्केट, तो मार्केट में एक मेजर फॉल आएगा। लेकिन दोबारा अगर इसके अबव आ जाते तो फिर से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा और मार्केट में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और हुआ क्या, वेरी नेक्स्ट डे यानी मंडे को ही क्या हुआ, मार्केट 18,000 के अबव क्लोज होती है, उसके अगले दिन भी 18,000 से फिर हमें मार्केट में बाउंस देखने को मिलता है। और एक्सपायरी में मैंने आपको एक जैकपॉट ट्रेड दिया था कि 18,000 अगर आपको गलती से भी मार्केट मिल जाए तो यहाँ पे कॉल्स में एंट्री करो। एग्जैक्टली कल का डेलो आपको याद होगा 18,000 पे ही था और वहाँ से 200 पॉइंट्स की रैली देखी हमने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था और कल भी बताया था ये ना सिर्फ इंट्राडे लेवल है, ये पोजिशनली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और वही एग्जैक्टली इस मैजिकल लेवल ने वर्क किया। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट को आना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को सच में फॉल करना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी और तब हमारा टारगेट होगा 17,600 लेवल। और अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं, बाउंस करते हैं, तो हमारा टारगेट है 18,480। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, जो नेक्स्ट पूरे वीक की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इसको हम होल्ड करते हैं तो मार्केट बुलिश है, बाउंसेस आएंगे मार्केट में। कल भी बाउंस आया, ट्यूसडे को भी एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस आया था, मंडे को जस्ट इसके अबव क्लोज हुए थे लेकिन लेवल को हमने होल्ड किया। एक भी दिन इस लेवल के बिलो क्लोजिंग नहीं आई है, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। लेवल कैसे ब्रेक होगा, अगर इसके बिलो क्लोजिंग आएगी तब मार्केट डाउन ट्रेंड में एंटर होगी, पोजिशनल सेटअप क्लियर है। अब इंट्राडे बात कर ले कि मंडे को क्या करें, पोजिशनली तो क्लियर है लेकिन इंट्राडे ऐसे ट्रेड्स नहीं बनते ना, इतने बड़े लेवल्स पे ट्रेड नहीं होते इंट्राडे। तो इंट्राडे क्या करें, क्या लेवल्स है, कैसे ट्रेड्स करने, वो देख लेते हैं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट जगह आई है, 18,105 की एग्जैक्ट क्लोजिंग है। तो 18,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इमीडिएट, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ ना तो इसके बाद डायरेक्टली सपोर्ट हमारा वही लेवल है जो पोजिशनल लेवल भी है। यानी अगर ये ब्रेक होता है किसी सिनेरियो में तो डायरेक्टली इंट्राडे में 100 पॉइंट्स का फॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मंडी के लिए पहला ट्रेड भी यही होगा कि अगर 18,100 ब्रेक हुआ तो पुट्स में एंट्री और टारगेट होगा 18,000 लेवल। अपसाइड की बात करें तो देखो 18,160 काफी बार इसने सपोर्ट का भी वर्क किया आज, ये इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल में एंट्री करनी है आपको, टारगेट 18,200 जिसने एज अ रेजिस्टेंस का वर्क किया ब्रेकडाउन के बाद, जब तक ब्रेक नहीं हुआ था एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा था, उसके बाद 18,250 जिसके आसपास आज का डे हाई लगा और काइंड ऑफ ये रिट्रेसमेंट मूव यहीं तक आया और फिर ये फॉल स्टार्ट हुआ था। तो अपसाइड के लिए 18,160 इंपॉर्टेंट है, इसके अबव मार्केट बुलिश होगी और कॉल्स में एंट्री। डाउनसाइड के लिए 18,100 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसके बाद टारगेट बहुत बड़ा है, यहाँ तो सिर्फ 40 पॉइंट्स का टारगेट है, यहाँ डायरेक्टली 100 पॉइंट्स का टारगेट। अगर ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली टारगेट होगा 18,000। तो सिंपल सेटअप है मंडी के लिए। चार्ट्स पे ऑप्शन चेन क्या बता रही है एक बार वो भी देख लेते हैं, चलिए आ जाते हैं हमारी ऑप्शन चेन पे। सेम चीजें बता रही है ऑप्शन चेन, 18,100 अभी भी सपोर्ट है, पुट साइड हुआ 75,000, कॉल साइड 48,000, तो एक अच्छा डिसेंट डिफरेंस है, तो इसलिए इमीडिएट ऑप्शन चेन भी यहां पे सपोर्ट बता रही है। एंड इसके बाद डायरेक्टली मैक्सिमम सपोर्ट कहां पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारा 18,000 लेवल। क्लियरली लास्ट वीक भी आपको याद होगा मैजिकली इस लेवल ने वर्क किया था, पोजिशनल लेवल भी है, इंट्राडे लेवल भी है, ओआई के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे ऑलमोस्ट 70,000 ओआई का डिफरेंस मिल जाता है यहां पे। लेकिन एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस बार लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमें 18,000 मिल जाती है तो हम यहां डायरेक्टली कॉल में एंट्री कर लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है आपको, इस बार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसके मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन मैं आपको चार्ट्स पे देता हूं और इसके कुछ लोअर लेवल्स भी आपको बता देता हूं। एक बार चार्ट्स पे आते हैं, बहुत लॉजिकली सब कुछ डिस्कस करते हैं तो ध्यान से देखिए। तो ये देखिए हम चार्ट पे आ गए, 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, 18,100 के बाद डायरेक्टली सपोर्ट 18,000 पे ही है, ठीक है, यहां तक फॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस बार मैं आपको क्यों नहीं कह रहा हूं कि 18,000 पे आप डायरेक्टली बाय कर लो। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, बाइंग के मल्टीपल रीजंस थे, इसके जस्ट बिलो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था आपको याद होगा, और उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। अब एक बार देखिए वो ट्रेंड लाइन कहां पे है, क्यों मैं इस बार आपको कह रहा हूं कि बाय नहीं करना है। लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन का लेवल था 17,975,
अब ट्रेंड लाइन 17900 पे पहुंच चुकी है, तो हम 100 पॉइंट्स का एसएल नहीं रख सकते इस ट्रेड में, इसीलिए 18000 जो इस बार डिप मिलेगा आपको मंडे को उसे चेज नहीं करना है, वहां पे डिप को बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। लेवल्स भी लोअर साइड बता देता हूं एक बार, 18000 के बिलो क्या लेवल्स है, पहला लेवल 17940 एंड उसके बाद 17900। हाँ, 17900 मिल जाए किसी सिनेरियो में आपको मंडे मार्केट, तो यहां आप जरूर कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। यहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का भी एंड ओवरऑल लेवल भी। तो इस बार जो बाइंग लेवल है, डिप को बाय करने का लेवल है मंडे के लिए, वो है 17900। ये क्लियरली नोट डाउन कर ले, ठीक है। बहुत लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से चीजों को समझे। 17,910-15 के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 17,900 पे ही एग्जैक्ट सपोर्ट है। ये ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं एंड एक और चीज पता लग रही है ऑप्शन चेन को, अगर हम टोटल वाई देखें सारे पोजिशंस का, तो हमें क्या पता लग रहा है मार्केट मंडे को कैसी रह सकती है, नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्टेड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको, आप ये देखिए टोटल वाई, कॉल साइड 16,48,000, पुट साइड 11,32,000। तो किस साइड ज्यादा है, कॉल साइड, काफी डिसेंट नंबर है। तो ये एक नेगेटिव मार्केट बता रहे हैं मंडे को, और मंडे को गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है और नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्टेड है। और ये बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन में, जो हमने डिटेल में कोर्स में कवर किया हुआ है। इसीलिए एक एक सिंगल वीडियो जो है ना कोर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डेली हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए वो डेडिकेटेड एक कोर्स है ताकि आप सिस्टमैटिक वे में लर्न करें, ठीक है। ऑप्शन चेन से ये भी पता लग रहा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें, अभी तक हमने सपोर्ट की डिस्कशन की, रेजिस्टेंस की बात करें 18200 पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम ओआई कॉल साइड यही पे है, मैक्सिमम ओआई डिफरेंस भी देखोगे काफी मेजर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 70,000 ओआई का डिफरेंस मिल जाता है यहां पे। तो 18200 अपसाइड के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन 18,000 है। सिंपल सेटअप है, ऑलरेडी बाकी ट्रेड्स हमने चार्ट्स पे डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आज कोई फ्रेश ट्रेड्स नहीं है, ऑप्शन चेन ये चीजें नहीं बता रही क्योंकि डाटा अभी बिल्डअप हो रहा है, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा पोजिशन कैरी नहीं होती है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे डाटा बिल्डअप होता है और क्लैरिटी आएगी मंडे एंड ट्यूजडे, जब डाटा बिल्डअप हो जाएगा ऑप्शन चेन से तब ट्रेड्स बनेंगे, क्योंकि जब तक हमें बिल्कुल क्लियरली ना दिख रहा हो ना मार्केट में, तब तक हम कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करते। इसलिए ऑप्शन चेन से आज कोई ट्रेड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कुछ चीजें जरूर सीखी होंगी कि कैसे ऑप्शन चेन को रीड करते हैं, एंड इसके साथ साथ सुपर ट्रेंड को जरूर अपने चार्ट्स पे मार्क करें, वो डेली बहुत परफेक्टली वर्क करता है। तो होप आपको सेटअप क्लियर है, एंड फिर से रिमाइंड करा देता हूं, सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आज ही कोर्स ज्वाइन कर लो, अपने नए साल की ट्रेडिंग जर्नी को लर्निंग से स्टार्ट करो एंड अपने नए साल को प्रॉफिटेबल बनाओ इस कोर्स के साथ। तो इसे बिल्कुल मिस आउट ना करें, एंड ये लास्ट टाइम है जब हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होने वाला है, एंड इसमें बहुत एडवांस कंटेंट मिलेगा आपको, मिनिमम फीस में आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।